सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप सभी को पता लग ही गया होगा कि भाई आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि इमिग्रेशन मेडिकल, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति बाहर जाना चाहता है स्टडी के लिए, विजिटर वीज़ा के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो उसको जो है मेडिकल करवाना बहुत ही ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। अगर हम कोई भी वीज़ा फाइलिंग करते हैं तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये करवाना ही करवाना है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से मेरे वीज़ा मेडिकल में क्या क्या मेरा हुआ था, कैसे हुआ था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे थे, वो सभी अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। हो सकता है आपके लिए ये सब हेल्पफुल हो। जो मेरे को पता होगा मैं वो सब आपको बताऊंगा। आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहली बात है हॉस्पिटल्स की। जो मेरे को पता है कि भाई नॉर्दर्न पार्ट में सबसे बड़े हॉस्पिटल्स एक SPS हॉस्पिटल लुधियाना में है, उसके बाद मैक्स दिल्ली में है, मैक्स मोहाली में भी है, लेकिन और भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें मेडिकल्स होते हैं। मेरे को और का नहीं नाम पता, लेकिन मेरा बता देता हूँ। मेरा एक क्लिनिक में हुआ था कंसल क्लिनिक मोहाली सेक्टर 53। तो इसकी क्या है कि अभी इस क्लिनिक ने मेरे को 2-3 जगह पे भेजा था जब जाके मेरा मेडिकल पूरा हुआ था। तो सबसे पहले बात आती है कि अपॉइंटमेंट किसी भी वीज़ा जो मेडिकल होता है उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप या तो सीधा कॉल कर सकते हैं कि भाई हॉस्पिटल में कि हमें इमिग्रेशन मेडिकल करवाना है, आप हमें डेट बता दीजिए, जब भी सीट खाली हो वो बता देते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन जो है उनके पोर्टल पे जाके जो है अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं जिस भी डेट में अवेलेबल हो। और एक तीसरा ऑप्शन ये होता है, मतलब करवाते हैं मोस्टली, जैसे आप किसी एजेंट के थ्रू अपना वीज़ा डील कर रहे हैं तो आपका एजेंट ही आपका जो है बुकिंग करवा देता है। मेरी भी ऐसे ही हुई थी। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे एक गार्ड होता है, वो गार्ड आपसे पूछता है कि हाँ आपको क्या काम है, कौन सी कंट्री का आपको जो है मेडिकल करवाना है। तो वो एक फॉर्म देता है, मैं आपको वो स्क्रीन पे बाद में दिखा दूंगा। तो उस फॉर्म में हमने अपनी पूरी डिटेल्स मोबाइल नंबर से लेके मेल तक सब कुछ मेंशन करना होता है। और मैंने देखा था कि बहुत से बच्चे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भूल गए थे और मैं भी एक डॉक्यूमेंट भूल गया था। आपको बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ है इसमें डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट, इनके अलावा एक होता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना ज़रूरी है होना अपने पास, तो वो मेंशन करते हैं उसमें। तो वो मेरे पास था नहीं, ना ही मैंने डाउनलोड कर रखा था। और उस दिन ऐसा था कि भाई अनफॉर्चुनेटली जो है चंडीगढ़ में जो है नेट बंद था, मेरा डाउनलोड भी नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने जो बोल दिया था कि आप घर पर जाके सेंड कर देना, तो मैंने वापस घर पर आने के बाद उनको सेंड कर दिया था, उनका कॉल आ गया था। तो वो फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया, ये भरने के बाद आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, वहाँ आपसे पैसे लेंगे। जैसे मेरे यार दोस्त हैं, उनका हुआ है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैक्स में, SPS में, तो उनमें जो है बिलिंग जो काउंटर है उस पर सारे पैसे ले लेते हैं। लेकिन मेरा, मैंने बताया जैसे 2-3 जगह अलग अलग जगह हुआ था, तो मेरे अलग अलग ही पैसे दिए गए थे। तो मेरे स्टार्टिंग में शायद 3000 के आसपास मैंने दिए थे। उसके बाद जो है मेरा एक फ़ोटोग्राफ हुआ, फोटोग्राफ के जस्ट बाद मेरा वेट, मेरी हाइट हुई। और एक नर्स होती है, वो आपकी आईज चेक करती है। आईज में क्या होता है, आपको एक मिरर के सामने बैठाया जाता है और आपके सर के ऊपर एक पोस्टर लगाया जाता है, उसमें थोड़ी सी फिगर्स से होते हैं, वो बताना है आपने। जैसे ऐसे हो गया कि भाई ये किधर से खुला है, तो आपको बताना है कि ये लेफ्ट से खुला है, ये राइट से खुला है। तो ज़्यादा ईजी होता है वो, कोई चक्कर नहीं है। और अगर किसी को आईज में प्रॉब्लम है तो वो अपने स्पेक्स साथ में लेके जाए, और वो अपने मेडिकल अपॉइंटमेंट में मेंशन किया होता है उन्होंने, तो ये ज़रूर लेके जाए। उसके बाद जस्ट क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है। कई बार जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है, मेरे को शायद आधा घंटा के आसपास वेट करना पड़ा था। तो उसके बाद मेरी जो है डॉक्टर कंसल्टेशन हुई थी। मोस्टली जो है बड़े हॉस्पिटल्स में और सब की होती है, वो जो डॉक्टर कंसल्टेशन होती है वो सबसे लास्ट में होती है, लेकिन मेरी जो है वो सबसे स्टार्टिंग में हुई थी। तो डॉक्टर कंसल्टेशन में क्या होता है, जो डॉक्टर होता है या होती है, मेरी फीमेल थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कोई चोट तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, पहले कोई बीमारी हुई हो आपको कोई सीरियस, या फिर ऐसा कुछ।
तो आपको मना कर देना है, जैसा भी है। मैंने मना कर दिया था कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो आपकी बॉडी चेक करके देखते हैं, आपको हाथ लगाएगी इधर उधर थोड़ा बहुत, आपकी जैसे ये हाथों पे इधर उधर पेट पे जैसे जैसे भी उनका होता है थोड़ा बहुत चेक, नॉर्मल सा चेकअप होता है, वो हाथ लगा के देखते हैं कि आप ठीक ठाक हो या नहीं हो, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट बहुत ईजी होता है, वो आपसे पूछते हैं भाई अगर आपको कोई टैटू वगैरह है तो आपके वहाँ पे मेंशन कर देंगे। टैटू का एक अलग से टेस्ट होता है, थोड़े बहुत 1000-1200 रुपये अलग लगते हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप की है वो स्लिप आपको मिल जाती है। फिर उन्होंने मेरे को भेजा सेक्टर 22C मोहाली, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मेरा ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ था, और वहाँ पे मेरे को 15 से 20 मिनट ऑटो में लगे थे, मैं पहुँच गया था वहाँ पे। वहाँ पे भी मेरे को शायद जस्ट 2 या 3 मिनट का वेट करना पड़ा था, लेकिन ज़्यादा वेट कैसे करना पड़ा कि जैसे मैं ना, जैसे ही मैं पहले वाले स्टेप से बाहर निकला तो मैं वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट था, वहाँ पे मैं वॉशरूम चला गया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मतलब सेकंड स्टेप पे पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि भाई अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करके लेके आओ वॉशरूम में जाके। तो मैं भाई कैसे करके लाता, मेरा मतलब मन नहीं था या फिर प्रेशर नहीं था, तो एकदम कैसे करके लाए बंदा। फिर मैंने बोला कि मैम मैं थोड़ी देर में कर दूंगा, तो उन्होंने बोला कि कोई चक्कर नहीं है, थोड़ी देर में कर देना। तो थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद मैं जाके सैंपल लेके आया, और उन्होंने ब्लड सैंपल मेरा यहाँ से ले लिया था। नॉर्मल सा ज़्यादा टाइम मेरे को लगा नहीं, शायद 50-55 मिनट मेरे को वहाँ पे लगे सेकंड स्टेप में। ईजीएस्ट बिल्कुल बहुत ईजी था, उन्होंने कर दिया और बोला कि आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप, तीसरा स्टेप था, वो था भाई मेरा 21 सेक्टर में जाना था, वो मेरा एक्सरे था, एक्सरे होता है लास्ट में। तो उसमें होता है कि भाई जाके मेरे कपड़े निकलवा दिए थे, टी शर्ट निकलवा दी थी, कुछ भी नहीं, अंडरगारमेंट्स भी नहीं छोड़ते, बस नीचे नीचे पहन सकते हैं आप, ऊपर कुछ भी नहीं पहन सकते। तो वो एक्सरे मशीन के सामने ऐसे जाके अपनी चेस्ट लगानी होती है और वो एक्सरे उतारते हैं, देखते हैं भाई क्या कुछ है, ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, नॉर्मल सा था। फिर उन्होंने बोला और मेरे रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जो भी था, और रिपोर्ट इसकी मोस्टली ऑनलाइन ही जाती है, हमें वो कुछ नहीं देते, बस एक स्लिप होते हैं कि भाई आपका हो गया, ठीक है, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आपकी ऑनलाइन ही एम्बेसी में जो है वो आपकी चली जाती है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप करवा के अपने वापस घर आ सकते हैं। तो इतना था मेरा। और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेरे पैसे जो सेकेंड स्टेप था उसमें भी मेरे शायद 2000 के आसपास लगे थे। मोस्टली मैं बता देता हूँ कि भाई मेरे ऑलमोस्ट 6-7000 लग गए थे, तो जिससे कि भाई जिसका टैटू होता है वो उसके अलग मेंशन होते हैं, भाई मेरे हिसाब से 1200-1300 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। जैसे यूके का जो है मेडिकल है वो सबसे अलग होता है, उसमें सिर्फ एक्सरे होता है और कुछ भी नहीं होता, सबसे ईजी होता है वो, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका लगभग सेम होता है। और मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं, उनमें जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स है, SPS है, इनमें जो है जाते ही जैसे सब कुछ एक जगह होता है, रूम्स होते हैं, जाते ही ना वो एक ड्रेस होती है, वो आपको दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पे, वो डालनी पड़ती है, उनको दिक्कत आती है अभी पूरे हॉस्पिटल में उसी ड्रेस में, जैसे मैक्सी होती है ना लेडीज़ की, तो वैसे पहन के उनको हॉस्पिटल्स में घूमना होता है जब तक उनके सभी चेकअप ना हो जाए। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था और मेरा अच्छे से हो गया था सब कुछ। और मेरे हिसाब से मेरे को 2.5-3 घंटे में मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, फिर मैं घर पे आ गया था। और जाने से पहले एक बात, थैंक यू फॉर शोइंग योर सपोर्ट, जितना भी मेरे को फॉलो करते हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, चाहे वो 10 हों 20 हों 50 हों 100 हों कितने भी हों, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए बने रहिए, आपके लिए फिर से नई वीडियो लेके आते रहेंगे।